अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है जहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है वो था आपका प्रूफ बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन उस प्रूफ को बेटा समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रस्ट और ट्रफ के हवाले से पता होना चाहिए कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं एक वेव के अंदर। बेटा क्रस्ट जो होता है एक वेव का अपर पोर्शन होता है। ये जैसे आप यहाँ पे एक वेव देख रहे हैं, ये कोई भी वेव हो सकती है, वाटर वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, किसी भी तरह की वेव हो सकती है। जनरल मैंने आपको ये बताया कि इसका जो अपर पोर्शन होता है उसे आप कहते हैं क्रस्ट और जो लोअर पोर्शन होता है उसे आप कहते हैं ट्रफ। ठीक है, दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है बेटा उसे कहते हैं वेव लेंथ लैम्डा। ठीक है, और उसे आप डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये आपके पास आगे इसका सिंबल। अब क्रस्ट की जो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर से समझाया, वेव का जो अपर पोर्शन होता है या अपर रीजन होता है उसे आप कहते हैं क्रस्ट। तो वो बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन आएगी क्रस्ट की, द रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट हाई पोजीशन। ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल जो मीडियम के होंगे वो अपर रीजन में होंगे या हायर रीजन में होंगे, अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है उनकी, ये जो सेंटर में है इससे देखें थोड़ा सा ऊपर है, तो ये रीजन कहलाएगा उनका क्रस्ट। जबकि ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स लो पोजीशन पे हो मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन है इससे लो पोजीशन पे है, तो ये रीजन बेटा उनका कहलाएगा ट्रफ। ठीक है, ये क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वेवलेंथ की, जो मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ है आपके पास डिस्टेंस दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, इसे माइंड में रखिएगा। उसके बाद इसे डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा से। ये भी आपको पहले बताया वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो लैम्डा है। उसके बाद वेवलेंथ डिस्टेंस है तो इसका यूनिट होगा मीटर। नेक्स्ट है बेटा आपका एक प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी, और आपने ये जो प्रूफ है ये जो इक्वेशन है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइंड में रखनी है कि इसका क्या मतलब है। बेटा ये प्रूफ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v जो है एक वेव की स्पीड है या वेलोसिटी है जिससे वो ट्रेवल कर रही है। f जो है वो फ्रीक्वेंसी है उस वेव की, जितने वो साइकिल मतलब कवर करती है या ट्रेवल करती है एक सेकंड के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जबकि जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी वेव लेंथ होगी। तो आपने ये प्रूफ करना है कि जिस स्पीड या वेलोसिटी के साथ वेव मूव कर रही है वो स्पीड या वेलोसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे जो वेव की हमने डेफिनेशन भी की थी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम व्हिच ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक मीडियम के अंदर वेव एक डिस्टरबेंस होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी तो उसकी एक ट्रैवलिंग की स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी जिसे कहते हैं वेव वेलोसिटी। ठीक है, जिसे आप वी से डिनोट करते हैं। तो हम देख लेते हैं जो वेलोसिटी है उसका जनरल फार्मूला बेटा आपको पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। ठीक है, वी इज इक्वल टू डी बाई टी, वी इज इक्वल टू डी बाई टी। अब जब वेव ट्रैवल कर रही है तो वो ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगी। ठीक है, अगर वो टाइम उसका टाइम पीरियड के बराबर है यानी कि कैपिटल टी के बराबर है तो जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया है वो वेव लेंथ लैम्डा के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड टी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू इट्स वेव लेंथ, यानी कि जो डी है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप d की जगह लैम्डा पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू लैम्डा बाय कैपिटल t। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा। जो टाइम पीरियड है वो होता है t इज इक्वल टू 1 बाय f जबकि f इज इक्वल टू 1 बाय t होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 बाय t की जगह आप इसको साइड पे कर दें और लैम्डा को एक साइड पे कर दें तो 1 बाय t, मैंने आपको बताया जो 1 बाय t है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है जो कि टाइम पीरियड है। तो इसे 1 बाय t को आप f की जगह भी कंसीडर कर सकते हैं यानी ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा और f जो है v इज इक्वल टू f लैम्डा आ जाएगा। ये आपने प्रूव कर दिया कि एक वेव जिसकी वेलोसिटी v थी एक स्पेसिफिक मीडियम में जो ट्रैवल कर रही थी उसकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होती है।